रामबास गोविंदगढ़ में चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग मामले में ब्रजभूमि कल्याण परिषद के डॉक्टर पंकज गुप्ता राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद व अश्विनी जावली गीता परिवार और हिंदू जागरण मंच से सहदेव सिंह ने चिरंजी लाल के घर जाकर परिवारजन को ढांढस बनाया और सरकार से पैरवी कर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग की। इस मौके पर महेंद्र सिंह गुर्जर, बादल, चेतन आदि 20 कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को संबल बनाया और आगे की आंदोलन, धरना प्रदर्शन, योजना और सरकार पर दबाव देने के लिए पीड़ित परिवार, ग्रामवासियों और संगठनों से चर्चा की। डॉक्टर पंकज गुप्ता और सहदेव सिंह ने सरकार से मांग की, राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और सरकार आमजन विशेषकर हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। पूर्व में करौली के दंगे, राजगढ़ में मूर्तियों का तोड़ा जाना, मंदिरों को तोड़ा जाना, हिंदुओं के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव, जोधपुर में सुनियोजित षड्यंत्र करके दंगे करना, अलवर के पास ग्राम धवाला में शिव परिवार पर हमला कर मूर्ति को खंडित किया गया और तमाम मामलों में लीपापोती कर उनको दबाना सरकार की प्राथमिकता रही है और पीड़ित परिवार को न्याय से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ब्रजभूमि कल्याण परिषद और हिंदू जागरण मंच ने सरकार से मांग की है कि मृतक चिरंजी लाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उसके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए और तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर शीघ्र अतिशीघ्र मुकदमा दायर कर उनको कड़ा दंड दिया जाए। आज हम आए हैं रामबास गोविंदगढ़ में, जहां पर चिरंजी लाल जी की आज सुबह सुबह 25-30 मुसलमानों ने घात लगा करके मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी थी। आज उनके घर में आए हैं, आप देखो कितनी दयनीय स्थिति है। वो बेचारा जो है भुट्टे बेच करके अपनी जिंदगी करता था, ये बूढ़ी माँ उनकी है, आप देखिए ये उनके भाई हैं और ये उनका बेटा है। तो ये जो है सरकार उन पे दबाव बनाया, जो वहां के जो थानेदार है उसने दबाव बनाया इन परिवार के ऊपर, और जिस ज्वार के खेत के अंदर ये वारदात हुई थी उस खेत वाले को उस थानेदार ने 3,000 रुपए दिलवाए हैं। ये लोग अम्मा वगैरह उस अपने बेटे का इलाज करा रही थी जब अस्पताल के अंदर, तो वो जो है मुसलमान जो थे जिन्होंने मारा था वो उस समय आए इनके पास और उन्होंने 1,500 रुपए इलाज के नाम पर देने चाहे। इनको समझ में नहीं आया कि ये क्या करे, ऐसी बात थी, ऐसी है सर, ऐसी बात थी। इन्होंने 500,000 रुपए इनको देने चाहे, 1,000 रुपए मेरा हाथन में धर दिया साहब, मैंने 1,000 रुपए नहीं लिया, मैंने उस यू की अगमोखी साहब मोक मेरे भाई के जितना भी पैसा लगे तुम लगाओ, उन्होंने कोई ऊ नहीं की। फिर मैं अपना भाई की वो सोनोग्राफी करवाई, मैं वहाँ चलेगा साहब, फिर उसके बाद में वो निकल गया। तो हम जो है यहाँ पर आज इसीलिए आए हैं, आप देखिए कितनी दयनीय स्थिति घर की है, ये झोंपड़ी इनकी है, तो इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए जो भी मुआवजा है, और इनके जो है आदमी को, जो इनके घर वाले को जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप देखिए।